श्री मोहनानंद ब्रह्मचारी सेंट जेवियर्स कॉलेज के हॉस्टल में रहने वाले छात्र मनोज मोहन को अपने बड़े भाई का एक पत्र मिला। अपनी आवश्यकता के लिए केवल 5 रुपए ले रहा हूं, बाकी पैसे और सारा सामान सजाकर रख दिया है, आकर ले जाना। मेरे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं जहां जा रहा हूं वहां जाने पर चिंता नहीं रहती। मंजले भैया मोहन का घरेलू नाम काबू है और जिसके नाम पत्र लिखा गया है उसका घरेलू नाम नेबू। उसी दिन काबू का एक पत्र उसकी मां के नाम भी मिला। श्री चरण कमलेशु मां, सेवक का असंख्य प्रणाम स्वीकार करना। आपके द्वारा प्रेषित रुपए मिल गए थे, मुझे अब बुखार नहीं है। मेरे बारे में चिंतित होकर क्यों अपने आप को कष्ट देती है? मेरे लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका स्नेहकांक्षी काबू। मनोज मोहन यह पत्र पाते ही तुरंत मंझले भैया के हॉस्टल में आया। सुपरिटेंडेंट गोपाल जी को पत्र दिखाते हुए पूछा, क्या मामला है? दादा कहां गायब हो गए? गोपाल प्रसाद मोहनानंद को काफी प्यार करते थे। नित्य रात को हॉस्टल के प्रत्येक कमरे में जाकर लड़कों की उपस्थिति देखते थे, पर मोहनानंद के कमरे में कभी नहीं जाते थे। हॉस्टल तथा कॉलेज के सभी अधिकारी इस बात से अच्छी तरह परिचित थे कि वह कहीं नहीं जाता, अपने कमरे में हमेशा अध्ययन करता रहता है। छात्रों से न तो विशेष संपर्क रखता है और न कहीं व्यर्थ में घूमने जाता है। गोपाल प्रसाद ने कहा, वह उस दिन शाम को अपनी बड़ी बहन के यहां गया था। वहां से लौटने पर उसने मुझसे यह कहा कि कल भोर में एक जरूरी काम से दीदी के यहां जाना है। भोर के वक्त गेट के दरवान से उसने यह कहा था कि मुझे दीदी के यहां जाना है। मैंने सुपरिटेंडेंट साहब को रात में ही सूचना दे दी थी। इस वक्त उन्हें जगाकर परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। उनके नाम पत्र भी छोड़ आया हूं। उसके मधुर व्यवहार से हॉस्टल के सभी कर्मचारी प्रसन्न रहते थे, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं। मनोज मोहन वहां से तुरंत मोहनानंद के कमरे में आया तो देखा सारा सामान इस तरह बांधकर रखा गया है जैसे कोई हमेशा के लिए यह कमरा खाली करके जाने वाला है। दराज के भीतर एक लिफाफे में कई नोट और एक पुड़िया में रिजगारियां थी। उसे गोपाल प्रसाद की जवानी यह मालूम हुआ कि मंझले भैया दीदी के यहां गए हैं। दीदी के यहां आने पर जीजाजी ने कहा, यहां नहीं आया है, आज से 4 दिन पहले जरूर आया था, यहां भोजन करके चला गया। कहीं जाने वाला है या जाएगा, इस तरह का आभास हमें नहीं हुआ। जीजाजी की बातें सुनकर मनोज मोहन चिंतित हो उठा। इन दिनों जो लोग गायब होते थे वे बेलूर मठ में जाकर सेवक बन जाते थे। मनोज मोहन के कई मित्र इसी आशंका से वहां गए। यहां से भी निराश होकर लौटना पड़ा। आखिर मंझले भैया गए कहां? मनोज मोहन इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि बड़े भैया के निधन के बाद से पिताजी और माताजी का सारा स्नेह मंझले भैया पर केंद्रित है। उन्हें जरा सा कष्ट होने पर वे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। मंझले भैया अपने स्वभाव के कारण पूरे परिवार में ही नहीं बल्कि मित्र मंडली में भी लोकप्रिय थे। अधिक बातचीत करना उन्हें पसंद नहीं था, स्वभाव से वे मितव्ययी थे। घर से खर्च के लिए जितनी रकम आती थी उसमें से काफी बचा लेते थे, जबकि मुझे कमी पड़ जाती थी। यह सितंबर सन 1921 ईस्वी की घटना है। काफी उहापोह करने के बाद इस घटना की सूचना देने के लिए मनोज मोहन पिताजी को पत्र लिखने बैठा। पत्र बंगला में प्रारंभ करते ही उसके मन में संदेह हुआ कि इसे मां ने पढ़ लिया तो गजब हो जाएगा, वह पागलों की तरह दौड़ी आएंगी अथवा सख्त बीमार पड़ जाएंगी। इसके बाद उसने अंग्रेजी में पत्र लिखा। श्री चरणेशु, परमाराध्य पिताजी, आज तीसरे पहर पहले मुझे मंझले भैया का एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, अपनी आवश्यकता के लिए केवल 5 रुपए ले रहा हूं,
बाकी रुपए पैसे और सामान ठीक ठाक करके रख दिया है, यहां से ले जाना। मेरे लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मैं जहां जा रहा हूं वहां जाने पर चिंता समाप्त हो जाएगी। इस पत्र को पाते ही मैं मंझले भैया के हॉस्टल में गया। वहां सुपरिटेंडेंट श्री गोपाल दादा से मुलाकात की। गोपाल दादा को भी कुछ नहीं मालूम, उन्होंने केवल यही बताया कि कल शाम को हॉस्टल से बाहर कहीं घूमने गया, लौटकर जब वापस आया तब उसने कहा कि दीदी के घर गया था, कल सुबह एक जरूरी काम से एक बार दीदी के यहां जाना पड़ेगा, पर वह वहां नहीं गए। लगता है दीदी के यहां जाने का बहाना करके सवेरे 5 बजे हॉस्टल से चले गए। कहां गए यह बात किसी को नहीं मालूम, दीदी के यहां आए नहीं। इस मामले में सारी बातें उन्होंने छिपा ली है, यहां तक कि गोपाल दादा भी नहीं जानते। गोपाल दादा को लेकर दीदी के घर गया, शायद जीजाजी से सलाह करने पर कोई सुराग मिले, मगर वे लोग भी मेरी तरह अंधेरे में हैं। दीदी ने कहा कि पिछले सोमवार को यानी 4 दिन पहले मंझले भैया उनके यहां निमंत्रण खाने आए थे, इसके बाद फिर नहीं आए। उस रात के बाद उनसे इन लोगों की मुलाकात नहीं हुई। हम सभी किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं, क्या करें कहां पता लगाएं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। यह भी समझ नहीं पा रहे हैं कि वे कलकत्ता में ही हैं या कहीं बाहर चले गए हैं। लेकिन एक बात का पता उनके मित्रों तथा गोपाल दादा से पता चला कि मंझले भैया इन दिनों बड़े ध्यान से रेलवे टाइम टेबल पढ़ते थे। इससे यह अंदाजा लगता है कि वे गाड़ी के द्वारा कलकत्ते से बाहर कहीं गए हैं। हॉस्टल छोड़ते समय उनके पास 10 रुपए से अधिक रकम नहीं थी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, आपके निर्देश की प्रतीक्षा करूंगा। मंझले भैया की खोज में कुछ लोगों को बेलूर मठ में भेजा है, वे क्या सूचना लाते हैं इस बारे में कल एक पत्र आपको लिखूंगा। इस वक्त यह पत्र जीजाजी के घर से लिख रहा हूं। आपका स्नेह पात्र नीबू। नीबू का पत्र पाने के बाद हेमचंद्र घबरा उठे। उन्होंने अपने मित्रों रिश्तेदारों तथा ऐसे कई स्थानों में तार और पत्र भेजा जहां मोहनानंद जा सकते थे, लेकिन कहीं से कोई आशाजनक सूचना प्राप्त नहीं हुई। मोहनानंद के गायब होने पर घर की जो दशा हुई उस बारे में हेमचंद्र जी ने लिखा है, नीबू के पत्र से मोहनानंद के गायब होने का समाचार सुनकर उसकी मां की जो हालत हुई वह वर्णनातीत है। वे इस कदर रोने लगी जैसे उनका बेटा मर गया हो, खाना पीना बंद हो गया। पड़ोसी आकर उन्हें धीरज देते थे। उन दिनों स्वदेशी आंदोलन का माहौल था, इसलिए यह संदेह हो रहा था कि प्रलोभन देकर कहीं लोगों ने उसे दल में शामिल न कर लिया हो। कभी हम यह सोचते थे कि रामकृष्ण आश्रम के किसी दूर वाले आश्रम में न चला गया हो। इन्हीं बातों के उहापोह के कारण पुलिस को सूचना नहीं दी गई, केवल चारों ओर पत्र भेजा गया। इसी परेशानी में 3-4 दिन बीत गए। अचानक देवघर आश्रम से श्री श्री गुरुदेव का पत्र आया। उससे यह ज्ञात हुआ कि मोहनानंद उनके आश्रम में है। इस समाचार से हम सब आश्वस्त हो गए, लड़का जीवित है और महाराज के आश्रम में है। फलस्वरूप हमारी आशंकाएं दूर हो गई। मगर गुरुदेव की अन्य बातों से लेखक को समझने में यह देर नहीं लगी कि अब आगे क्या होने वाला है। महाराज ने लिखा था कि लड़के को हर तरह से समझाया, पर अब वह गृहस्थाश्रम में नहीं रहना चाहता, तीव्र वैराग्य लेकर आया है यहां। अगर यहां से बाधा प्राप्त हुई तो वह अन्यत्र चला जाएगा, आश्रम में सकुशल है। इधर लड़के की मां पुत्र के वापस आने की आशा त्याग नहीं सकी। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर वे समझाएंगे तो उसे जरूर वापस ले आएंगी। उसका गृह त्याग महज बचपना है, इसकी कोई खास वजह नहीं है। लेखक को ऑफिस में छुट्टी ना मिलने के कारण पत्नी को एक चपरासी के साथ देवघर के आश्रम में भेजा गया। अब मैं मोहनानंद के आश्रम तक पहुंचने का विवरण लिख रहा हूं। जो ट्रेन सुबह हावड़ा से चलकर शाम को देवघर पहुंचती थी
उसी ट्रेन से मोहनानंद वैजनाथ धाम स्टेशन पहुंचा। लोगों से पूछते हुए शाम को आश्रम आ गया। जब वह 1.5 वर्ष का था तब एक बार अपनी माँ के साथ देवघर आया था। इन दिनों उसकी उम्र 17 साल थी। इस बीच वह कभी देवघर नहीं गया। हम लोग कभी कभी देवघर जाते हैं, केवल यही जानकारी उसे थी। ज्ञान होने के बाद से उसने कभी श्री बालानंद महाराज का दर्शन नहीं किया था। फलस्वरूप उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि महाराज का आश्रम कहाँ है, किन रास्तों से चलकर वहां तक पहुंचा जा सकता है। राह चलते लोगों से पूछते हुए वह देवघर आश्रम पहुंचा। वहां के एक कर्मचारी से पूछने पर पता चला कि इस वक्त महाराज जी शिव मंदिर के बरामदे में विराजमान हैं, मगर शीघ्र ही वहां से उठने वाले हैं। फिर उनसे मुलाकात नहीं होगी, अभी तुरंत जाने पर दर्शन हो सकता है। इतना सुनते ही मोहनानंद ने तेजी से महाराज के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। महाराज ने पहले पूछा, मकान कहाँ है? इस प्रश्न के उत्तर में उसने शिव निवास बताया। इस जवाब को सुनकर महाराज ने पूछा, कृष्ण बाबू तुम्हारे क्या लगते हैं? जवाब में उसने कहा, वे मेरे पितामह थे। इस जवाब को सुनकर उन्होंने पूछा, क्या तुम हेम के लड़के हो? उसने हाँ कहा। बाद में अन्य पूछताछ से पता चला कि सुबह वह कलकत्ता से रवाना हुआ है, अभी तक कुछ खाया नहीं है। उस वक्त विशेष कुछ न कहकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि इसके भोजन और ठहरने का इंतजाम बड़े अच्छे ढंग से कर दिया जाए। दूसरे दिन महाराज ने उससे इस तरह चले आने का कारण पूछा। मोहनानंद ने दृढ़ स्वर तथा स्पष्ट रूप से सूचित किया कि अब वह गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएगा, वह सन्यासी बनेगा। महाराज उसे हर तरह समझाते रहे, यह जीवन बड़ा कठोर है, इस प्रकार की तितिक्षा और कठोरता उससे सहन नहीं होगी। इसके अलावा इस मार्ग में आने के पूर्व पिता माता की अनुमति लेना आवश्यक है। इसके अलावा इस वक्त अध्ययन छोड़ देने पर फिर मौका नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि तुम पहले बीए पास कर लो, इसके बाद देखा जाएगा। महाराज की बातें सुनने के बाद उसने दृढ़तापूर्वक कहा कि उसके माता पिता कभी अनुमति नहीं देंगे। जब मैंने यह संकल्प किया है कि मुझे गृहस्थाश्रम में अब नहीं रहना है, तब बीए पास करके क्या करूंगा? इससे अच्छा यह होगा कि साधु बनने के लिए जितने अध्ययन की जरूरत है वही करूंगा। पिताजी से अनुरोध करने पर शायद वे अनुमति दे देंगे, पर माताजी कदापि नहीं देगी। अगर वे सहज ढंग से अनुमति नहीं देंगी और उसे देवघर के आश्रम में रहने में बाधा प्राप्त हुई तो वह दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन अब वापस घर नहीं जाएगा। बालक की दृढ़ता देखकर महाराज ने उसे आश्रम में रहने की आज्ञा दे दी और पिता माता को पूर्ण विवरण लिखकर भेज दिया। महाराज का पत्र पाते ही लड़के की मां पुरुलिया से आश्रम में आई। यहां आने पर उन्होंने देखा कि उनके सबसे अधिक दुलारू पुत्र में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है। बालक को इस रूप में देखकर मां देर तक रोती रही। महाराज ने मोहनानंद को बुलाकर मां के साथ जाने की आज्ञा दी तो वह चुपचाप खड़ा रहा। बाद में मां के साथ रात को रहने का आदेश दिया गया। इस आज्ञा का पालन उसने किया। मां को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इस ओर बराबर ध्यान देता रहा। मां आश्रम में 4-5 दिन रही, हर तरह से रोग आकर अपने पुत्र को समझाती रही, पर पुत्र अपनी दृढ़ता से टला नहीं। उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि वह संन्यास जरूर लेगा और इसमें बाधा पहुंचाई गई तो वह अन्यत्र चला जाएगा। अब गृहस्थाश्रम में लौटने की उसकी इच्छा नहीं है। मां ने समझाया, तुम घर लौट चलो, मैं वायदा करती हूं कि तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। बीए पास करने के बाद भले ही साधु बन जाना। मोहनानंद ने कहा कि जब साधु बनने का संकल्प लेकर गृहस्थाश्रम छोड़ चुका तब बीए पास करने का क्या महत्व है? मां को आड़ में बुलाकर महाराज ने कहा, वह जिस तरह तीव्र वैराग्य लेकर आया है
अब उसे गृहस्थाश्रम में लौटा ले जाना कठिन है। अगर तुम सब उसे ज्यादा तंग करोगी तो वह यहां से चला जाएगा। यह आश्रम तुम्हारे परिवार के दो पुश्तों का है, यहां रहने पर चिंता की बात नहीं रहेगी। मैं सतर्क भाव से ध्यान रखूंगा, लड़का आगे चलकर उन्नति करे इस दिशा में प्रयत्न करूंगा। आजकल भंड साधु काफी हो गए हैं, अगर इसे परेशान किया गया तो दूर कहीं भाग जाएगा और संभव है कि भंड साधुओं के चक्कर में फंस जाए। लड़की की मां ने कलेजे पर पत्थर रखकर सारे उपदेशों को ग्रहण किया और निराश होकर पुरुलिया वापस आ गई। यह सितंबर सन 1921 की घटना है। यहां आकर पुत्र बिछोह के कारण वे बराबर रोती रहीं। पिता की भी यही दशा थी। एक दिन तो पिता घर से चलकर दिन भर शमशान में बैठे रहे, बाद में दामाद जाकर उन्हें वहां से ले आया। इसी प्रकार एक दिन मां ने कहा, कल रात को एक अद्भुत सपना देखा। मेरा व्याकुल भाव और विषण चेहरा देखकर श्री श्री बालानंद महाराज शंकर भगवान रूप में प्रकट हुए। इसके बाद मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी तू दिन रात क्यों रोती रहती है? तू तो परम सौभाग्यवती है, तू साधु की मां बनेगी। यह सौभाग्य कम लोगों को प्राप्त होता है। मैंने तुम्हारे पुत्र को ग्रहण कर लिया है, अब तुम बेफिक्र हो। मैंने तुम्हारे पुत्र को ग्रहण कर लिया है, अब तुम बेफिक्र हो जाओ। इस सपने की बात सुनकर पिता भी आश्वस्त हो गए और वे मोहनानंद की माता को बुद्ध, शंकराचार्य, चैतन्य देव आदि महापुरुषों की कहानियां सुनाने लगे। स्वप्न में महाराज का दर्शन पाकर और उनकी स्नेहपूर्ण बातें सुनकर बच्चे की मां को प्रसन्नता का अनुभव हुआ। कुछ दिनों बाद सूचना आई कि महाअष्टमी के दिन मोहनानंद को दीक्षा दी जाएगी। यह समाचार इष्ट मित्रों तक पहुंच गया। काफी तादाद में लोग देवघर में दीक्षा समारोह देखने के लिए आए। दीक्षा देने के पहले महाराज ने लेखक तथा उनकी पत्नी को बुलाकर पूछा कि आप दोनों अपने पुत्र को साधु जीवन ग्रहण करने की प्रसन्नता पूर्वक अनुमति दे रहे हैं या नहीं। उस वक्त महाराज की आंखें आनंद से सराबोर थी। लेखक ने कहा, गुरुदेव आज आपके चरणों की सेवा करने के लिए इस पुत्र को समर्पित करते हुए अपनी को सौभाग्यशाली समझ रहा हूं। इसी समय मोहनानंद की माता ने मेरे कान में कहा, गुरुदेव का आज जो आनंदमय रूप है, यही रूप मैंने स्वप्न में देखा था। तब लेखक ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारे दो और पुत्र हैं, अब बिना उहापोह किए प्रफुल्ल मन से अपनी सहमति दे दो। लड़के की मां ने हाथ जोड़कर गदगद स्वर में कहा, बाबा आपके श्री चरणों में अर्पण कर रही हूं, मगर मेरी प्रार्थना है इसे अपनी नजरों से दूर मत रखिएगा। महाराज ने कहा, एवमस्तु ऐसा ही होगा। इसके बाद मोहनानंद को नैस्टिक ब्रह्मचर्य में दीक्षा दी गई। दीक्षा के बाद गैरिक वस्त्र पहनकर उसने हम लोगों को प्रणाम किया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव की हम पर अपार कृपा है। हम इस बात के लिए चिंतित थे कि मोहनानंद बड़े नाजों में पला है, साधु जीवन की कठोरता कैसे सहन करेगा। हमारी इस आशंका को महाराज ने दूर कर दिया। आश्रम में संपूर्ण रूप से निस्व होकर वह पैदल ही भारत के सभी तीर्थों का दर्शन कर आया है। अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कैलाश, मानसरोवर आदि दुर्गम तीर्थों का बार बार पर्यटन कर चुका है। महाराज तथा हम लोगों को ऐसे स्थानों से बराबर पत्र भेजता रहा। सभी जगह उसे सम्मान मिला और मार्ग वह भी मिलता रहा। तीर्थों से वापस आते समय अपने लिए कुछ नहीं लाता, जबकि महाराज तथा हमारे लिए और आश्रम के अन्य साधुओं के लिए कंबल, फल, प्रसाद तथा अन्य सामग्रियां ले आता था। श्री गुरुदेव की ऐसी कृपा की मोहनानंद के संन्यास लेने के कई महीने बाद मैं दासत्व की श्रृंखला से मुक्त हो गया, यानी अवकाश ले लिया। इसके बाद
सपत्नीक देवघर आकर गुरु महाराज की चरण छाया में निवास करने लगा। मोहनानंद जी के पिता द्वारा लिखित इस विवरण से उनके वैराग्य के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। मोहनानंद के गुरु श्री बालानंद महाराज असाधारण योगी थे। मोहनानंद जी के पिता माता ही नहीं बल्कि पितामह भी बालानंद महाराज के शिष्य थे। देवघर में रामनिवास ब्रह्मचर्याश्रम नामक एक स्थान है। इसके निर्माणकर्ता रामचरण बसु और कृष्णचंद्र बनर्जी थे, जिनके बारे में बालानंद जी कहा करते थे, राम और कृष्ण ये दोनों मेरे दायां बायां हाथ हैं, मेरे सभी शुभ कर्मों के मूल हैं। कृष्णचंद्र की पत्नी कात्यायनी देवी को गुरुदेव के भक्त कातु मां कहकर पुकारते थे। वे महाराज की शिष्या और महान साधिका थी। हेमचंद्र बनर्जी का पालन पोषण इन्होंने ही किया था। अपने विवाह के पश्चात हेमचंद्र बनर्जी ने भी महाराज से दीक्षा ली थी। इस प्रकार तीन पीढ़ी के गुरु बालानंद जी थे। 27 दिसंबर सन 1904 शनिवार सुबह 7 बजे हेमचंद्र बनर्जी के यहां तीन पुत्रियों के बाद दूसरा पुत्र पैदा हुआ। उन दिनों हेमचंद्र के चाचा मेदिनीपुर में किराए के एक मकान में रहते थे। इसी मकान में श्री मोहनानंद का जन्म हुआ था। हेमचंद्र के चाचा एक स्टेट के मैनेजर थे और वे स्वयं आबकारी विभाग के अफसर थे। मोहनानंद जब मां के गर्भ से निकले तब वे धरती पर नहीं बल्कि अपनी दादी मां के हाथों में गिरे थे, यानी दादी मां ने हाथ में लोक लिया था। उन्होंने सर्वप्रथम बालक का नाम रखा काबली। आगे चलकर यही नाम काबू बन गया। मोहनानंद बचपन से ही मेधावी और शांतिप्रिय थे। भोजन करते वक्त परिहास अवश्य करते थे। मितव्ययी इतने थे कि शिक्षा के लिए उन्हें जो रकम दी जाती थी उसमें से बचाकर हर छुट्टी पर घर आते और छोटे भाइयों के लिए उपहार लाते थे। आपको डायरी लिखने की आदत थी। डायरी के पृष्ठों से ज्ञात होता है कि विद्यार्थी काल से ही आप योगासन करते थे। दूसरों को समोसा राजभोग कलाकंद कचौड़ी खिलाते और स्वयं दही चूड़ा खाते थे। कीर्तन के प्रति आपका अपूर्व आकर्षण था और आजीवन आप कीर्तन करते रहे। अक्सर अधिक रात गए जब आप घर लौटते तब पिताजी और माताजी चिंतित हो उठते। इस बारे में माता विनयनी देवी उलाहना दे चुकी है। आप चुपचाप अपने कमरे में चले जाते थे लेकिन कीर्तन सभा में जाना बंद नहीं करते थे। महाप्रभु जगत बंधु के प्रधान शिष्य वैष्णव शिरोमणि रामदास बाबा जी का कहना था कि जब तक मोहनानंद नहीं आता तब तक कीर्तन सभा जमती नहीं। कीर्तन करते करते अक्सर आप भावावेश में आ जाते थे। परिवार के लोगों को बालानंद जी से दीक्षा लेते तथा घर पर हमेशा उनकी चर्चा करते रहने के कारण मोहनानंद पर गुरुदेव का व्यापक प्रभाव था। हॉस्टल में रहते समय आसन का अभ्यास करने की उनकी आदत थी। इसी तरह हरी सभा में कीर्तन करते करते भावावेश में आ जाना भी उनका स्वभाव बन गया था। संभवतः ऐसे ही बातों से उनमें साधु बनने की धुन सवार हुई थी। मोहनानंद हॉस्टल से 9 सितंबर को गायब हुए थे। इसके पूर्व मई में जब कॉलेज बंद हो गया तब वह अक्सर मां से बालानंद जी महाराज तथा देवघर आश्रम वहां के नियम कानून के बारे में सवाल करते थे। उस समय तक किसी को यह संदेह नहीं हुआ कि आखिर लड़का यह सब क्यों पूछ रहा है। इस घटना के 3 माह बाद लड़का गायब हुआ। अवकाश ग्रहण करने के बाद हेमचंद्र जी देवघर स्टेशन के पास किराए पर एक मकान लेकर रहने लगे। आश्रम से दूर रहने का निर्णय उन्होंने इसलिए लिया ताकि मां की व्यथा लड़के की साधना में व्याघात न पहुंचाए। जब कभी गुरुदेव के दर्शन की इच्छा होगी तब शीघ्र आश्रम पहुंच जाएंगे। अक्सर बालानंद महाराज दुखी मां को सांत्वना देते हुए समझाते, अपने आंसुओं से तुम मोहन को अपने आदर से विमुख मत करो। इससे अच्छा है कि तुम उसे आशीर्वाद दो, उसे शक्ति दो ताकि वह इस छूरधरा संकुल मार्ग पर प्रसन्नता पूर्वक चलता रहे।
लेकिन मां इस आश्वासन से आश्वस्त नहीं होती। बालक का कष्ट देखकर महाराज से शिकायत करती, आपको मालूम है बाबा, आज मोहन ने एक टुकड़ा पपीता उबालकर खाया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप उसे डांटते क्यों नहीं बाबा? यह सब खाने की उसे आदत नहीं है, बचपन से उसकी देखरेख करती आ रही हूं। अगर इतनी कड़ाई की गई तो वह जीवित रह सकेगा? उसे समझाइए ना बाबा। मां की आकुलता देखकर बाबा हंसने लगते। मोहन कितना दुलारा है, कितने नाजों से पला है, यह बात भी जानते थे। अब आगे साधना पथ पर वह कितना कृच्छ जीवन अपनाएगा, इस बात की भी उन्हें जानकारी थी। क्या वे विनयनी देवी से कम उसे चाहते थे? उनके सभी शिष्यों में यही तो सबसे प्रिय है, हर वक्त हर घड़ी उसे अपनी आंखों के सामने रखते हैं। विनयनी देवी को क्या मालूम कि महाराज और मोहन में एक अनिर्वचनीय भाव का संबंध था। मोहन के बारे में गुरुदेव कहा करते थे, यह मेरा मनोमय भक्त है। जबान पर एक शब्द नहीं, पर वह मन ही मन जानता है कि मुझे कब किस चीज की जरूरत है। जब तक मैं कुछ कहूं उसके पहले ही मेरी अभिलाषा को जानकर वह चुपचाप काम कर देता है। दूसरी ओर मोहन अपने गुरुदेव के बारे में लोगों के पूछने पर कहा करता था, मैं गुरुदेव की कायिक सेवा क्या कर सकता हूं? कायिक सेवा ब्रह्म पूजा आदि अधमाधम है। लोग कहते, गुरुदेव की कायिक सेवा अगर अधमाधम है तो यह तो अलौकिक अनुभूतियां है। दूसरा प्रत्यक्षदर्शी भक्त कहता, मोहन को बकने दो, हमने अपनी आंखों से सब देखा है। मोहन ने जिस तरह अपने गुरु की कायिक सेवा की है वह सभी शिष्यों के लिए महान आदर्श है। गुरुदेव ध्यान कुटीर में रहते थे, भीषण गर्मी का मौसम है, ठीक इन्हीं दिनों उन्हें बुखार हुआ। आश्रम में तब तक बिजली नहीं आई थी, मसहरी लगाने पर ज्वर का प्रदाह बढ़ जाएगा और यहां मच्छरों का उतना उपद्रव है कि अगर उनमें शक्ति हो तो आदमी को उठा ले जाए। इस आशंका से मोहन शाम से लेकर भोर तक गुरुदेव को पंखा चलता रहा। दूसरी ओर बुखार के ताप के कारण बिना हवा के गुरुदेव को चैन नहीं मिलता था। इस प्रकार विनिद्र स्थिति में न जाने कितनी रातें मोहन गुजार चुका है। उसके फूल जैसे शरीर पर अगणित मच्छरों के काटे हुए दाग उभरे हुए थे, सारे शरीर में कहीं भी जगह नहीं बची थी। पूछने पर जवाब दिया, गर्मी तथा बुखार के कारण महाराज को बड़ा कष्ट हो रहा था, मसहरी लगाने पर कष्ट और बढ़ जाता, इसलिए रात भर उन्हें हवा करता रहा, शायद दो चार मच्छरों ने मुझे काटा है। दूसरे भक्त ने कहा, मोहन ध्यान कुटीर की बगल वाली कुटिया में रहता था, एक कंबल बिछाकर एक कंबल ओढ़कर एक दो घंटा सोता है, चादर ओढ़ता कभी नहीं भी ओढ़ता, गीरवे रंग का कपड़ा जो जगह जगह से काफी फट गया था गांठ लगाकर पहनता है, गुरुदेव के लिए पहाड़ के नीचे से कुएं का पानी लाता है, तांबे के कलशों को इमली से मांझता है, इस पानी से गुरुदेव स्नान करते थे। देवघर में गुरुदेव के स्नान और रसोई का पानी नर्मदा कुंड से कंधे पर लादकर लाता था, उन्हें स्नान कराता और मुंह धोने का पानी तथा दातौन लेकर गुरुदेव की प्रतीक्षा में खड़ा रहता, उनके बिछाने को धूप में देना, चादर लुंगी कौपीन में साबुन लगाकर आदि उनके नित्य के कार्य हैं। सबसे बड़ी खूबी उसमें यह थी कि गुरुदेव के लिए भोजन बढ़िया बनाता है, बालानंद जी पकौड़ी दही बड़ा परवल के पत्तों की पकौड़ी नीम की तरकारी अधिक पसंद करते थे, अन्य शिष्यों की अपेक्षा बड़े प्रेम से मोहन बनाता है। मोहनानंद में एक खूबी थी, जब मूड बनता तब वे बालानंद महाराज को बिना सूचित किए परिव्राजक रूप में तीर्थ यात्रा करने चले जाते, राह में जो मिल गया खा लिया, श्रद्धावश किसी ने रेलवे का टिकट खरीद दिया तो ठीक, वरना पैदल ही यात्रा करते।
आश्रम से गायब होने का उसका निजी टेक्निक था। बिस्तर पर कंबल को एक तरह सजा देता, जैसे कोई सो रहा है। इसके बाद खाली हाथ गायब हो जाता था। एक बार कुंभ मेला में जाकर रेती में बेहोश हो गया। उस समय महाराज शिष्यों से घिरे कथा सुना रहे थे। तभी समाचार आया कि मोहन को कुंभ में हैजा हो गया है। तुरंत लोग इलाहाबाद रवाना हो गए। इस समाचार को सुनते ही महाराज का चेहरा भावावेग से लाल हो उठा। फिर सत्संग से वे चुपचाप उठ गए और अपनी साधना कुटिया में चले गए। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। भीतर वे अपने प्रिय शिष्य के लिए क्या करते रहे, इसे कोई नहीं जान सका। जब महाराज उस कमरे से निकले तब पसीने पसीने हो रहे थे। चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। आहार की कठोरता के कारण मोहनानंद जी का पक्का से सूख गया। भोजन नहीं कर पाते थे। स्थिति विचित्र थी। न जाने कैसे यह बात मां के पास पहुंच गई। इस वजह से उनका सारा अंतर रो पड़ा। मोहन उनकी आंखों का तारा है। उसे वे अपने प्राणों से अधिक चाहती हैं। नित्य भोजन करते समय उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती थी। भोजन करने के बदले वे उंगलियों से खाना हिलोरा करती थी। यह दृश्य देखकर एक दिन नेबू ने कहा, मां तुम खाना क्यों नहीं खाती, सिर्फ भोजन को हिलोरा करती हो। रूंधे कंठ से मां ने कहा, अभी भी तुम लोग मुझे खाने को कहते हो। जिस मां के बेटे का पेट बिना भोजन के सूख गया हो, वह मां कैसे ऐसा सुस्वाद भोजन गले के नीचे उतार सकती है। पत्नी के इस कष्ट को देखकर हेमचंद्र को भी कष्ट होता था। पर वे कितना समझाते, आखिर एक दिन चल बसे। इसके बाद मात्र स्नेह से कातर मां की बुलाहट आ गई। समाचार मिलते ही मोहनानंद मां के पास आए। मां की हालत देखकर अधिक देर तक नहीं ठहरे। पुनः जब आए तब मां के बिस्तर के पास बैठकर गीता पाठ करने लगे, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। स्वयं अपने हाथ से मां को रेशमी चादर उठाकर मस्तक पर चंदन लगाया, फूलों की वर्षा कर सबको नीचे लाया गया। अंतिम बार मां के शव को उन्होंने कंधा लगाया। सवदाह के बाद उस दिन देर तक कीर्तन करते रहे। सभी कार्यों में वे निस्पृश रहे। मोहनानंद में यही सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे कष्टों की शिकायत नहीं करते थे। उन्हें कभी क्रोधित या उत्तेजित होते नहीं देखा गया। एक बार उनसे प्रश्न किया गया कि आप कहां तक साधना कर चुकी हैं। उन्होंने कहा, साधना देवघर के आश्रम की धारा के अनुसार अष्टांग योग किया है। दरअसल साधना या क्रम मेरे लिए कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो एक गुफा है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। हिमालय में ऐसी अनेक गुफाएं हैं। कोई यात्री वहां पहुंचा और उसने सलाई की तीली जलाई तो तुरंत अंधेरी गुफा आलोकित हो उठी। उस गुफा में युग युगांतर से अंधेरा था, पर रोशनी करने से क्रमशः अंधकार दूर नहीं हुआ। निमिष भर में अंधकार गायब होकर गुफा प्रकाशमान हो गई। इसी तरह साधना करता रहा। वास्तव में मोहनानंद अपने गुरु से हठ योग, प्राणायाम और राजयोग का ज्ञान बराबर ग्रहण करते रहे। मोहनानंद के अलावा आश्रम में अन्य कई शिष्य थे, परंतु जिस लगन और श्रद्धा से मोहनानंद ने अपने गुरु द्वारा वर्णित क्रियाओं को अपनाया, उसे अन्य शिष्य नहीं अपना सके। आश्रम के पूर्णानंद ब्रह्मचारी से स्वरोदय साधना की शिक्षा लेते थे। दोपहर को संतोष आश्रम जाकर वेद वेदांत पाश्चात्य दर्शन का अध्ययन करते थे। सन 1922 से लेकर सन 1937 तक लगातार वे कठोर साधना करते रहे। यही वजह है कि प्रिय शिष्य पूर्णानंद ब्रह्मचारी, जिन्हें सभी छोटे बाबा कहा करते थे, के निधन के पश्चात बालानंद जी का सारा ध्यान मोहनानंद पर केंद्रित हो गया। अपने विराट आश्रम का सारा भार वे अपने मोहन को देना चाहते थे और मोहनानंद बार बार इस पद को लेने से इनकार करते रहे।
मोहनानंद कीर्तन करते, आश्रम में पत्रों का उत्तर देते, हिसाब किताब रखते। गुरुदेव की सारी सेवाओं के अलावा उन्हें अभ्यागतों, भक्तों तथा ब्रह्मचारियों की सुख सुविधा का ध्यान रखना पड़ता था। इसके बाद अध्ययन अध्यापन भी करना पड़ता था। मोहनानंद हमेशा मौन रहते और निर्जनता को पसंद करते थे। गुरुदेव से कहते, मैं इस पद के लिए अयोग्य हूं, आप यह जिम्मेदारी परमानंद जी को दें। गुरुदेव अफसोस करते हुए अपने भक्तों से कहते, मेरा मोहन बंधन से घबराता है। अरे बेटा, इसमें बंधन कहां है? इसमें तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसा जमाना आ गया है। कहते हैं बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। वही दशा यहां है। यह आश्रम कितने सम्मान का है, जबकि सारे लोग मोहन को इस गद्दी पर चाहते हैं। आखिर में एक दिन हंसते हुए बोली, ठीक है, किसको दी जाए, इसका चुनाव हो जाए। जिसके नाम पर वोट ज्यादा होगा उसी को गद्दी दी जाएगी। इस गद्दी के दो दावेदार थे, मोहनानंद तथा परमानंद। उपस्थित सभी को पर्चियां दी गई। लोगों ने अपनी पसंद के उम्मीदवार का नाम लिखकर एक लोटे में डाला। बाद में सभी पर्चियां खोलने पर उनमें एक पर्ची को छोड़कर शेष में मोहनानंद जी का नाम निकला। एक पर्ची में परमानंद का नाम था, जो मोहनानंद का लिखा था। बालानंद जी के स्वर्गवासी होने के बाद उस आश्रम की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए वे इधर उधर भागते फिरते थे। भागते हुए नैमिषारण्य के जंगल में चले गए और वहां एक कुटिया में रहने लगे। यह स्थान उन्हें बहुत पसंद आया। एक दिन सूक्ष्म रूप में गुरुदेव वहां प्रकट हुए और मोहनानंद को फटकारते हुए बोले, क्या तुम्हारा निर्माण मैंने इसलिए किया था? अपने स्वार्थ के लिए जंगल में आकर तपस्या करोगे? तुम्हें इस संसार में कितना काम करना है? पापी तापी लोगों का उद्धार करना है, संतप्त हृदय वाले को शांति देना है। तुरंत यहां से चले जाओ। ठीक इसी प्रकार परमहंस रामकृष्ण ने अपने एक शिष्य को कहा था, जब वे केवल अपने लिए समाधि लगाते रहे, लाचारी में उन्होंने उस शक्ति को वापस ले लिया था। सुश्री आशालता सिंह, जो आगे चलकर मोहनानंद जी से संन्यास लेने के बाद सन्यासिनी आशा पूरी हो गई, वे लिखती हैं, इसके बाद श्री श्री महाराज नीचे उतर आए। सन 1937 ईस्वी में गुरुदेव अप्रकट हो गए। मोहनानंद जी 1939 ईस्वी में लोगों को दीक्षा देने लगे। गुरुदेव अलक्ष्य रहकर निरंतर उनकी सहायता कर रहे हैं। लज्जालु भीरू मौन प्रकृति का किशोर, जो एक दिन अपना जीवन अर्पण करने गुरुदेव के चरणों में आया था, आज वह संसार के विभिन्न देशों में भारतीय संस्कृति दर्शन और धर्म का प्रचार कर रहा है। देवघर आश्रम की जिम्मेदारी देने के पीछे एक अन्य कारण भी था। बालानंद जी का सैव आश्रम था। मोहनानंद जी वहां हरि संकीर्तन करते थे। यह देखकर महाराज के अनेक शिष्यों और भक्तों ने आपत्ति की, इस आश्रम में कृष्ण का कीर्तन क्यों? उत्तर में महाराज ने कहा, ज्ञान कर्म से ही ईश्वर के निकट जाया जाता है, पर भक्ति भाव के अलावा ईश्वर को स्पर्श नहीं किया जा सकता। इसके लिए भक्ति और विश्वास की जरूरत है। यहां हरि नाम या शिव नाम में कोई अंतर नहीं है। महाराज को यह समझते देर नहीं लगी कि यह सामान्य आपत्ति आगे चलकर ज्वालामुखी बन जाएगी। उनकी सारी साधना और तपस्या खाक में मिल जाएगी। इस घटना के बाद से वे मोहनानंद को बराबर कीर्तन करने का आदेश देते रहे। स्वयं भी ताली बजाते हुए लोगों के साथ ध्यान कुटीर की परिक्रमा किया करते थे। सैव आश्रम में हरे कीर्तन की धूम मच गई। अब नित्य कीर्तन होने लगा। मीन मीस करने वालों के मुंह में ताला जड़ गया। इस विष को हमेशा के लिए शांत करने के लिए बालानंद जी ने देवघर आश्रम की गद्दी मोहनानंद जी को देने का निर्णय लिया। मोहनानंद ने देवघर आश्रम में गुरु से देवी मंत्र में दीक्षा ली थी। इसके बाद नैष्टिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करके वे देवी की सेवा में नियुक्त हुए थे। जब मोहनानंद आश्रम में नहीं रहते थे
तब अन्य ब्रह्मचारी पूजा करते थे। बालानंद जी की शिष्या ने लिखा है, कौन है वह उज्जवल कांति वाला युवक जो हरि नाम में मतवाला होकर हरि कीर्तन कर रहा है। श्री गंगेश चंद्र चक्रवर्ती लिखते हैं, गुरु बालानंद की स्नेह छाया में लंबे अरसे तक मोहनानंद जी की साधना चलती रही। उनकी साधना धारा वैदिक और तांत्रिक धारा का मिश्रण है। ब्रह्मचर्याश्रम की अधिष्ठात्री देवी श्री श्री बालेश्वरी देवी है। त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति, गायत्री मूर्ति, श्री मंत्र, आगम धरा तंत्र की यहां प्रधानता है। मोहनानंद शक्ति मंत्र में दीक्षित हैं, होम वैदिक मतानुसार करते हैं। हठयोगी सेवाचार्य बालानंद जी से उन्होंने योग शिक्षा ली। मोहनानंद शरीर इंद्रिय आदि मन बुद्धि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर चुके हैं। बाद में धीरे धीरे उन्हें निज स्वरूप में स्थिति मिल गई। यही वजह है कि आपके शिष्य उनके निकट बैठकर महाध्यान की स्पर्शानुभूति प्राप्त करते हैं। खुली आंखों की स्थिति में वे सहज समाधि की स्थिति में हैं, इसे समझ पाते हैं। मोहनानंद जी के भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि उनके गुरुदेव वास्तव में श्री श्री गौरांग प्रभु के अवतार हैं, इसलिए वे राधा रानी के प्रभाव में मगन रहते हैं। उनका तन नारायण को वेदित है। वे जो वस्त्र और अलंकार पहनते हैं वह श्री कृष्ण के लिए ही। इस बात की पुष्टि मोहनानंद जी के एक उपदेश से हो जाती है। उन्होंने कहा था, वे और जीव अलग नहीं हैं, मगर जीव मलिन हो गया है, इसलिए उससे मिल नहीं पाता। मिलन न होने का दर्द ही राधा रानी के सत वर्ष का विरह अश्रु है। मोहनानंद के इस वक्तव्य से स्पष्ट है कि उन पर सखी संप्रदाय का प्रभाव रहा। श्री श्री राधा की भावाद्युति के बारे में आपने कहा है, मैं उन्हें सर्वदा स्मरण करता हूं, उन्हीं के भावों में अपने भाव को सम्मिलित करने का प्रयत्न करता हूं। सुश्री आशापुरी ने अपने गुरुदेव के इस भाव की समीक्षा करते हुए लिखा है, ऐसा दृढ़ विश्वास है कि उसी राशीश्वरी राधा के विभूति ही आपकी निजी विभूति है। श्रीमती राधा रानी की विभूति विशिष्टता है, वे शक्ति रूपिणी है, उनकी तरह सामर्थ्यमयी कोई नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण ने भी श्री राधा के प्रेम रस का आस्वादन करने के बाद अनुभव किया था गौरांग बनकर, मगर वे भी नीरव राधा के भावों को दबा नहीं सके। महाप्रभु गौरांग कृष्ण प्रेम की उन्मत्ता में कभी कूर्म की तरह आकृति बना लेते थे और कभी अधिसंधि स्थिल शरीर में उतान होकर मूर्छित रूप में पड़े रहते थे, किंतु राधा शास्त्रों में है, समस्त ब्रह्मांड वैकुंठ स्वर्ग मर्त की समस्त वेदना राशि को एकीभूत करने पर भी राधिका के प्रेमोत्थित आनंद वेदना का लेश मात्र बराबरी नहीं कर सकता। उनके हृदय में क्या हो रहा है यह प्रकट नहीं होता। अविकृत शांत मूर्ति, नीरव भाव। मोहनानंद का अपना निजी व्यक्तित्व था। वे कभी चमत्कार के लिए योग विभूति का प्रदर्शन नहीं करते थे। स्वतः जो हो जाता था उसी से शिष्य और भक्त प्रभावित होते रहे। उदाहरण के लिए दार्जिलिंग की घटना को लीजिए। वहां वे अपने एक भक्त के यहां ठहरे हुए थे। अचानक वहां प्रलयंकर भूकंप आया। मोहनानंद जी जिस भवन में ठहरे हुए थे उसके चारों ओर के मकान जमीन दोज हो गए। यह भवन भी किसी क्षण गिर सकता है, ऐसी आशंका से सभी त्रस्त हो उठे। मोहनानंद अपने बंद कमरे में नित्य की भांति पूजा पाठ और होम करने में व्यस्त थे। गृहस्वामी तथा परिवार के लोग भय से व्याकुल होकर उनका दरवाजा पीटने लगे। दरवाजा बिना खोले ही मोहनानंद जी ने कहा, कुछ देर इंतजार करो, होम समाप्त करने के बाद दरवाजा खोल दूंगा। होम समाप्त करने के बाद उन्होंने दरवाजा खोला। चेहरे पर निरुद्विग्न भाव विराजमान था, जहां भय का उद्वेग की छाया तक नहीं थी। धीरे धीरे प्रलयंकर दृश्य बदला।
अगल बगल के भवनों की काफी क्षति हुई, लेकिन इस भवन का एक दिन का भी नष्ट नहीं हुआ। सन 1947 ईस्वी में 70-80 भक्त शिष्यों के साथ मोहनानंद जी अमरनाथ दर्शन करने जा रहे थे। मार्ग में बर्फ से ढकी खाई के समीप तंबू लगाकर लोग आराम कर रहे थे। शाम होने के बाद तेज तूफानी हवा चलने लगी, साथ ही बर्फ गिरने लगी। सरकार की ओर से माइक पर चेतावनी दी जाने लगी। मौसम विभाग की सूचना के अनुसार हिमपात की सूचना मिली है। सभी यात्रियों को आगाह किया जाता है कि वे पहलगांव वापस चले जाएं। कई सरकारी अधिकारी मोहनानंद जी के यहां आकर इस बात की सूचना दी। मोहनानंद जी इस समाचार से जरा भी विचलित नहीं हुए। मधुर मुस्कान के साथ बोले, कल सूर्योदय अवश्य होगा, बादल छट जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। कौल साहब जो अधिकारी थे बोले, जब आप कह रहे हैं तब ऐसा हो सकता है। मोहनानंद जी ने दृढ़तापूर्वक कहा, मैं कह रहा हूं कल सभी दुर्योग समाप्त हो जाएंगे, बादल छट जाएंगे, सूर्योदय होगा, सभी तीर्थयात्री अमरनाथ दर्शन अवश्य करेंगे। दूसरे दिन वही हुआ। कहां रात भर प्रलयकारी हिमपात झंझावात और कहां निर्मल प्रभात। प्रातःकाल होम करने के बाद होम कुंड को सरसी से पकड़े मोहनानंद तंबू से बाहर आए। बाहर कश्मीर के कई राज कर्मचारी हाथ जोड़े खड़े थे। सभी के भाल पर उन्होंने तिलक लगाया। लोगों ने मोहनानंद जी के चरण स्पर्श किए। इसी अमरनाथ यात्रा की दूसरी कहानी है। मोटर से जा रहे थे, अचानक उन्होंने ड्राइवर से कहा, हम लोग गलत रास्ते से जा रहे हैं, मोटर को उस रास्ते पर मोड़ लो। ड्राइवर ने आदेश का पालन किया। काफी दूर जाने पर दिखा गया कि कुछ भक्त मार्ग में खड़े हैं। दरअसल वे स्वयं ही गलत रास्ते पर चले आए थे। उनका ख्याल था कि महाराज इसी रास्ते से गुजरेंगे तब उनका दर्शन किया जाएगा। मोहनानंद जी कार से उतरे। प्रतीक्षा में खड़े सभी भक्तों को उन्होंने तिलक लगाया। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से कहा, अब गाड़ी वापस मोड़ लो, तुम ठीक रास्ते से ही चल रहे थे, मुझसे गलती हो गई। देखो मेरी तरह इन लोगों से गलती हो गई और गलत रास्ते पर आ गए। वहां के सभी यात्री भी वापस लौटे। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि महाराज उनके लिए ही गलत रास्ते पर आए और दर्शन देकर सही रास्ता बता गए। पटना से कार द्वारा मोहनानंद जी रांची जा रहे थे। शाम हो गई थी। वे कार के भीतर आंखें बंद की आराम कर रहे थे। अचानक एक मोड़ पर आकर उन्होंने ड्राइवर से कहा, इस ओर चलो। लगभग 10 मील आने पर देखा गया कि सड़क के किनारे एक वृद्ध ब्राह्मण हाथ जोड़कर खड़ा है। उसने गाड़ी रोकने का इशारा किया। गाड़ी के रुकते ही वह मोहनानंद जी के चरणों पर लौट गया। कहा, कल रात को मुझे स्वप्न में निर्देश मिला कि आज सवेरे एक महापुरुष का आगमन होगा। वे ही तुम्हारे अभीष्ट देव हैं, वे ही तुम्हारे मन को शांति देंगे। यही वजह है कि मैं स्नान करने के बाद यहां भूखा प्यासा दर्शन के लिए खड़ा हूं। गाड़ी से उतरकर उस भक्त को आशीर्वाद देने के बाद मोहनानंद जी ने ड्राइवर से कहा, गलत रास्ते पर आ गए हैं, गाड़ी वापस मोड़ लो। इसी प्रकार एक बार भागलपुर से मोहनानंद जी कुछ लोगों के साथ कलकत्ता जा रहे थे। साथ में पाखा पीसी यानी पंखा वाली बुआ थी। इनका काम था समय असमय में पंखे से हवा करती थी, इसलिए इन्हें भक्त मंडली पाखा पीसी कहती थी। काफी संपन्न थी। तितिक्षा और अनुराग रहने पर भी इनमें एक सनक थी। मोहनानंद जब भक्तों के साथ किसी भक्त के यहां ठहरते थे तब पाखा पीसी किसी की साड़ी तो किसी का साया ब्लाउज या इस तरह की अन्य सामग्री गायब करके अपनी कठरी में बांध लेती थी। उस दिन सवेरे स्नान करने के बाद भक्त मंडली में हलचल मच गई। अधिकांश लोगों के सामान गायब हो गए थे। रेलगाड़ी में इसी समस्या पर कचकच हो रहा था।
तभी महाराज ने हरि ठाकुर नामक एक पहरेदार से कहा, जाओ पाखा पीसी की गठरी उठा लाओ, यहां लाकर उसे खोलो। साहबगंज स्टेशन पर गाड़ी ठहरी। हरि बाबू पाखा पीसी की गठरी उठा लाए। उसमें से चोरी किया गया एक एक सामान निकालकर लोगों के सामने रख दिया। इसके बाद हरि बाबू को आदेश दिया गया कि लोगों को उनकी चीजें दे दो। भागलपुर का एक दंपत्ति मोहनानंद जी का शिष्य था। अच्छा खाता पीता परिवार, तरुणी वधु, पति डॉक्टर, दो नन्ही सुकुमार लड़कियां। अचानक तरुणी वधु पागल हो गई। इलाज से ठीक न होने पर उसे रांची स्थित मानसिक अस्पताल में भर्ती किया गया। कुछ दिनों बाद अस्पताल से सूचना आई कि इस रोगी को हम यहां नहीं रख सकते, कृपया तुरंत आकर ले जाइए। वहां जाने पर पता चला कि रोगी हमेशा अशांत रहती है, हर वक्त आत्महत्या करने का प्रयत्न करती है। कभी छत पर से कूद जाती है तो कभी कपड़ों में आग लगाने की कोशिश करती है। आखिर कब तक देखरेख की जाए। लाचारी में उसे लेकर वापस लौटे। साथ में उनके मां बाप तथा पति थे। काफी सावधानी के साथ उसे ला रहे थे। भागलपुर पहुंचने में जब 8-10 मील का रास्ता बाकी रह गया तब सभी लोग थकावट से चूर होकर आराम करने लगे। जब यहां तक शांत रही तब अब कुछ और नहीं होगा। अब तो कुछ ही देर में भागलपुर आ जाएगा। इधर लोग असतर्क हुए और उधर वह गाड़ी का दरवाजा खोल चलती गाड़ी से नीचे कूद गई। पूरे डिब्बे में हलचल मच गई, चेन खींची गई। गाड़ी के रुकते ही लोग दौड़े। कुछ लोगों के अनुरोध करने पर गाड़ी को पीछे ले जाया गया। वहां जाने पर देखा गया कि वह एक झाड़ी में बेहोश पड़ी है। उनके सिरहाने एक वृद्ध लालटेन लेकर पहरा दे रहा है। लोग उस वृद्ध की इस कृपा से अभिभूत हो उठे। उसे पुरस्कार देने के लिए जो ही लोग उत्सुक हुए त्यों ही उसे गायब पाया। इस घटना के कुछ दिनों बाद वह लड़की पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। बातचीत के सिलसिले में उसने कहा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। पागलपन के दौरान की सारी बातें याद है। मैं तो अस्पताल में भी गुरुदेव का कीर्तन सुनती रही। यह कीर्तन एक मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ था। जिस दिन मैं रेल से कूदी जमीन पर नहीं गिरी, महाराज ने अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद एक लालटेन लेकर सिरहाने बैठ गए। मैं बेहोश नहीं थी, एकटक गुरुदेव को देखती रही। जब आप लोग आए तब वे गायब हो गए। उससे पूछा गया कि क्या अब भी तुम निरंतर कीर्तन सुन पाती हो? उसने कहा, ठीक हो जाने के बाद से अब नहीं सुन पाती। मोहनानंद जी की ऐसी शक्ति देखकर बाबा भोलानंद गिरी, बाबा सीताराम ओमकारनाथ जी, मां आनंदमयी प्रभावित हुए थे और इन्हें आदर देते थे। हेमचंद्र बनर्जी तथा विनयनी देवी का लाडला, जिसके बचपन का नाम मनमोहन था, सौम्य प्रकृति तथा आकर्षक व्यक्तित्व का महापुरुष है। इन्होंने विदेशों में जाकर नाम महिमा का प्रचार किया है। आपके शिष्य ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड तथा अमेरिका में भी हैं। इन सभी शिष्यों को नाम मंत्र जपने का उपदेश देते हैं। जब आप वहां जाते हैं तो नाम कीर्तन करते हैं। जिस प्रकार सिखों की बस्ती जहां होगी वहां गुरुद्वारा स्थापित होगा, इसी प्रकार बंगाली कालीबाड़ी यानी काली जी का मंदिर का निर्माण करते हैं। अमेरिका के न्यूजर्सी क्षेत्र में वहां के बंगालियों ने उपासना के लिए कालीबाड़ी बनाकर श्री श्री मोहनानंद आश्रम बनाया है, अस्पताल स्थापित किया है और बंगला शिक्षा का प्रबंध किया है। इसके अलावा अमेरिका के कई शहरों में इस प्रकार के आयोजन चल रहे हैं। देवघर में मोहनानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर अनेक महत्वपूर्ण कार्य करवाया है। कभी स्वामी विवेकानंद पाश्चात्य देशों में जाकर भारतीय धर्म, दर्शन और अध्यात्म का प्रचार करते रहे और अब मोहनानंद जी जैसे अनेक संत विश्व कल्याण के लिए प्रयत्नशील हैं। तो इस प्रकार श्री मोहनानंद जी की जीवनी
यहीं समाप्त होती है। अगर आप देवघर में रहते हैं या अगर आप विदेशों में रहते हैं और वहां मोहनानंद जी की कुछ स्मृतियां हैं, कोई मंदिर है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वहां की फोटो आप हमें भेजें। हम अपने चैनल के माध्यम से उसे पूरी दुनिया को दिखाएंगे। आपके स्नेह और प्यार के लिए हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सिद्धों का आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहे। पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। धन्यवाद।